नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 का आज पहला क्लास है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जो जुड़े हुए हैं, उन लोग को हम सुबह में ये क्रोपी का जो चित्र है हमने भेज दिए हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं बहुत ईमानदार हैं, देखो बैठे हुए हैं, तो ये लोग ड्राइंग बना रहे होंगे और बना के ही एंट्री मारेंगे और बना के हमको कमेंट करके बताएंगे कि हमने चित्र बना लिया है। और जो लोग हमारे बच्चे नए हैं, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर हमारा है, आप जुड़ सकते हैं। तो आप लोग एक मिनट के लिए वीडियो को रोक दीजिए और ये जो क्रोकी का चित्र है आप लोग बना लीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे क्रोकी का चित्र बना लिए होंगे। तो आप लोग को इधर ध्यान देना है, क्लास में बैठना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। और जो बच्चे अच्छे से बनाएंगे हम उनको सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। तो चलिए हम ध्यान देते हैं इधर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने क्रोकी बनाया है, तो हमने इसको बॉडी का मेजरमेंट समझ के हम क्रोकी के सहारे आपको बताएंगे। जब भी आप ब्लाउज बनाते हैं या सूट बनाते हैं तो इसलिए हमने क्रोकी का सहारा लिया। तो आप कैसा बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, तो इस क्रोकी के सहारे हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आता है हमारा ये गला, ओके। अब गले के जो नीचे आता है हमारा होता है शोल्डर। तो शोल्डर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो हड्डी छोटे छोटे दिखते हैं बॉल जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम शोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिख दिया है, आप देख रहे हैं, तो ये अपना शोल्डर है। तो जितने लोग आप बैठे हैं तो सबका जो शोल्डर है, तो किसी का 16 है, किसी का 15 है, तो किसी का 14 है, तो अलग अलग मेजरमेंट आते हैं। तो इस प्रकार से उनका आता है। तो अब क्या करेंगे, शोल्डर तो हमने फुल ले लिया, अब उसको हमको हाफ करना है। तो हम हाफ कैसे करते हैं, ये हमारा नाक है, तो इस पार्ट देख रहे हैं, ये हाफ हो गया, इस पार्ट हाफ हो गया। तो अब देखिए, हम आपको एक पेपर के सारे बताते हैं। तो ये देखिए, हमने एक पेपर लिए हैं। अब शोल्डर हम यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ से आपने शोल्डर ले लिए ये बॉडी का। तो जब हम सूट बनाते हैं तो फ्रंट साइड का हम अलग कटिंग करते हैं, बैक साइड का अलग कटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा गला होता है कम ज़्यादा रहता है। अब आपको जैसे सूट कटिंग करते हैं तो आप कपड़े को कैसे रखेंगे, तो ये देखिए, ये हमारा शोल्डर, अब इसको हम हाफ करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा बंद साइड हो गया, ओके, और यहाँ पर हमारा खुला साइड हो गया। और देखिए, जहाँ पे आपका बंद साइड है आपका यहाँ से गला बनेगा, और जहाँ पे आपका ये खुला साइड है आपका यहाँ से आर्म होल आएगा। तो इस प्रकार से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, और बंद जहाँ पे हमारा बंद रहता है वहाँ से हम गला लेते हैं, और जहाँ पे हमारा खुला है वहाँ से हम शोल्डर लेते हैं। तो हम इस प्रकार से लेते हैं। तो अब हमने शोल्डर के बारे में समझ लिया, अब हम समझेंगे गला। तो गला क्या होता है, इंच टेप है, तो हम इंच टेप के सहारे लेंगे। तो आप देखते हैं इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया हुआ है। तो शोल्डर को हम यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे। अब हमको गला कितना चाहिए, तो हमको गला कितना चाहिए, तो जो सबकी हाइट रहती है कम ज़्यादा रहता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है। तो हम कैसे गला लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे 6 आया, अब इसको हम यहाँ तक, तो हमको कितना नीचे चाहिए गला, कितना ऊपर चाहिए। तो इस प्रकार से किसी का 6 आता है और किसी का 7 आता है, तो किसी का 6.5 आता है। तो इस प्रकार से आपको रखना है मेजरमेंट, इस तरह से इंच टेप को रखना है, और इसको यहाँ से इस प्रकार से रख लेना है, इस प्रकार से। तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा गला कितना है, तो उस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो हमने शोल्डर समझ लिए, और हम जो गला यहाँ पे आता है गला कैसे लेते हैं, इंच टेप को हम कैसे रखते हैं, वो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं चेस्ट। तो आप लोग बोलते हैं अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट कैसे होता है, हम अपर चेस्ट नहीं लेते हैं, अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने हाथ को सीधा कर लिए, अब यहाँ से जो आता है हमारा गला आता है, और ये जितना हमारा गला रहता है उतना हमारा आर्मोल आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आर्मोल और गला सेम होता है। तो हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे चेस्ट का। अब आपको चेस्ट कैसे लेना है, अब समझो ये आपके पास इंच टेप है, ओके, तो आप लोग का जो साइज होता है सबका अलग अलग साइज है,
है बॉडी का जो मेजरमेंट होता है यहाँ का, तो आपको इस प्रकार से इंच टेप लेना है। और अपर चेस्ट हम नहीं लेते, हमने आपको बताया कि अपर चेस्ट जो होता है गला और ये आर्मोल के साइड होता है, तो अपर फुल चेस्ट हम लेते हैं, यहाँ फुल वेस्ट आता है। तो आपको इस प्रकार से इंच टेप रखना है, तो ये जो दो उंगली दिख रहा है आपको अंदर जाना चाहिए। तो जो होता है इस प्रकार से आपका फिटिंग का मेजरमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो भी आपका साइज है उसका आपको 1/4 करना है। हम आपको जो चार्ट दिए हैं, तो जो भी जिसका साइज है आप उस चार्ट में देख सकते हैं। तो किसी का 30 है, किसी का 34 है, किसी का 40 है, आपको उसका 1/4 करके आपको 2 इंच मार्जिन देना है चेस्ट में। तो देखिए अभी हमने जैसे चेस्ट का लिया मेजरमेंट, उसी प्रकार से आपको कमर का लेना है। तो कमर कैसे लेते हैं हम, यहाँ से शोल्डर से यहाँ पे आपका 13 इंच आएगा, तो 13 आता है और 14 जो से बड़ा साइज हुआ तो हम 14 रखते हैं, नहीं तो हम 13 रखते हैं। तो यहाँ से शोल्डर से आपका ये 14 इंच या 13 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा कमर, तो कमर हम जो रहता है जैसे हमने चेस्ट का चौथा भाग निकाला उसी प्रकार से हम कमर का चौथा भाग निकालते हैं, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन देते हैं। इसके बाद आता है हमारा हिप, हिप जो होता है हमारा जितना हमारा चेस्ट आता है लगभग उसी प्रकार से हमारा हिप भी रहता है, तो जितना चेस्ट आता है उतना हमारा हिप का भी आता है। तो उसमें हम हिप में क्या करते हैं, मार्जिन हम कोई 1 इंच का रखता है, कोई 1.5 इंच का रखना है। अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो जो हिप जो हम चौक बनाते हैं तो जो फोल्ड करते हैं ना, तो वो अच्छे से या तो बहुत मोटा आ जाता है, फिर कपड़ा ज़्यादा बच जाता है। तो इसके लिए हिप के लिए आप 1.5 इंच मार्जिन रखिए या 1.25 इंच रखिए। तो हिप के लिए आपको इस प्रकार से मार्जिन रखना है। और जो यहाँ पे जो साइड कट होता है, साइड कट क्या होता है, जो हिप के नीचे जो हमारा जब ड्रेस बन जाता है तो वहाँ पे कट होता है, तो जो चौक बनता है। तो हम आपको अभी सूट भी कटिंग करके सिल के भी दिखाएंगे, तो एक बार हम आज समझ लेते हैं। तो जो कट होता है यहाँ पे हिप के नीचे, वो किस देखो छोटा जो साइज रहता है किसी को 18 इंच पे आता है और कोई 21 इंच पे लेता है। तो दोनों मेजरमेंट जिसको जितना अपने पसंद अनुसार रहता है, कस्टमर जो होते हैं कैसा पसंद करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमको मतलब है 18 इंच पे कट चाहिए, कोई बोलते हैं हमको 21 इंच पे कट दे, तो जितना नीचे ले जाते हैं वो कस्टमर के ऊपर रहता है। तो ये जो होता है साइड कट, हिप जहाँ अपना आता है वहाँ पर साइड कट होता है। तो आज हम इसके बारे में समझ लिए। तो अभी हम नी के बारे में देखेंगे। तो नी हमारा यहाँ पे आता है जिसको हम घुटना बोलते हैं। तो देखिए ये शोल्डर से आता है यहाँ पे हमारा जो नी, तो यहाँ पे हमारा जो जो कुर्ता का जो रहता है ड्रेस का लेंथ ख़त्म होता है। तो यहाँ पे तो जो पहनने वाले के ऊपर है कि वो घुटना तक पहनते हैं कि उसके नीचे पहनते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको मार्जिन कैसे देना है, आपको 2 इंच मार्जिन देना है। जैसे कि आपका यहाँ पे फोल्ड होकर सिलाई होगा और यहाँ पे आपका 1/2 इंच जाएगा शोल्डर में। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे घुटना का जो लेंथ होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने नी के बारे में समझ लिया, आपको 2 इंच मार्जिन देना है, जिसका जो भी लंबाई है आपको 2 इंच मार्जिन देना है। तो अब देखिए ये जो हमारा यहाँ से शोल्डर से घुटना तक हमारा जो सूट का जो लेंथ ख़त्म होता है, तो हम इसके बारे में समझ लिए। तो अब हम स्लीव्स के बारे में देखेंगे। तो आप लोग अभी इधर ध्यान दीजिए स्लीव्स की तरफ। तो बच्चे लोग हमारे जो हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इसी तरह हमको भी सिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जो ध्यान से देख रहे हैं। तो देखिए ये जो होता है यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स, तो ये शॉर्ट स्लीव जो होता है तो बहुत छोटा में आता है, तो जैसे कि लगभग 2.5 इंच 3 इंच का आता है, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्लीव्स। अब आता है इसके बाद हाफ स्लीव्स। तो हाफ स्लीव्स कहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 4 इंच हुआ, 4.5 इंच हुआ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे आता है हाफ स्लीव्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है हाफ स्लीव्स हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आता है, ये देखिए यहाँ पे आता है एल्बो स्लीव्स। एल्बो स्लीव्स हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये मुड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम एल्बो स्लीव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया एल्बो स्लीव्स। अब देखिए यहाँ पे आता है 3/4 स्लीव्स। तो 3/4 स्लीव्स कहाँ पे आता है, कलाई के ऊपर आएगा 3/4 स्लीव्स। यहाँ पे एल्बो यहाँ पे हुआ, 3/4 स्लीव्स यहाँ पे आ गया। तो 3/4 स्लीव्स आप कैसे लेते हैं, जैसे चेस्ट का
हाफ लिया जाता है। जैसे आपका चेस्ट 40 है तो उसका हाफ कितना आएगा, 20 इंच आएगा। तो 20 इंच में आपको 2 इंच मार्जिन लेना है, यानी 22 इंच पे आपको कटिंग करना है। जैसे आप 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं, तो अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम बता रहे हैं उसमें हाफ लिया जाता है, चेस्ट का हाफ लिया जाएगा। तो इसी तरह जिसका जो भी चेस्ट है उसको चेस्ट का हाफ, जैसे 30 का चेस्ट हुआ तो उसका हाफ कैसा 15 आएगा। तो 15 में आपको 2 इंच मार्जिन मिलाना है, 16-17 यानी 17 इंच लेना है। तो ये हो गया अपना 3/4 स्लीव्स। अब आता है हमारा फुल स्लीव्स। फुल स्लीव्स देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आता है हमारा फुल स्लीव्स। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ कलाई आती है यहाँ पे हम बोलते हैं फुल स्लीव्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट लिया जाता है। तो दोस्तों आज हमारा पहला क्लास था, तो हम क्रोकी में जो बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसके बारे में हम बात किए। तो चलिए आप लोग जो क्रोकी बनाए हैं तो अभी आप मार्किंग कीजिए, हम बता रहे हैं आपको। आप देखिए यहाँ पे आता है आपका शोल्डर, आप लोग लिखिए, ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे बाद में लिखेंगे तो बाद में ही रह जाएगा। तो अभी कभी लिखिए, आप लोग हमारे सामने लिखिए। तो होता है अपना शोल्डर आएगा। अब शोल्डर के नीचे आता है अपना चेस्ट। तो चेस्ट जो होता है हमारा यहाँ फुल ब्रेस्ट को हम चेस्ट बोलते हैं। तो आपको अपर चेस्ट नहीं लेना है, हमने अपर चेस्ट के बारे में आपको बताया। यहाँ पे हमारा गला आता है, गले पे यहाँ पे आर्मोल आता है, तो हम अपर चेस्ट नहीं लेते हैं, हम फुल चेस्ट के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अपना चेस्ट और यहाँ पे आता है वेस्ट। वेस्ट मतलब अपना कमर। तो जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आता है अपना हिप आएगा। अब यहाँ पे आता है नी। नी मतलब घुटना होता है। तो यहाँ से जो हमारा ड्रेस का लेंथ ख़त्म होता है यहाँ पे आता है नी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है अपना शॉर्ट स्लीव्स और यहाँ पे आएगा हाफ स्लीव्स। अब यहाँ पे आएगा एल्बो स्लीव्स, यहाँ पे आएगा 3/4 स्लीव्स, यहाँ पे आएगा फुल स्लीव्स। तो आप लोग ने लिख लिए। तो दोस्तों आपसे जुड़ के हमें बहुत खुशी हुई। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको भी हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, अगर आप पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए। तो आपको जो कमी आ रहा है आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो ये आपका ही चैनल है, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, समझे सीखे सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।